मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष व्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 o'clock और वक्त हो गया हमारा व्लॉग शूट करने का। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको रात को नींद में बता दिया था सोने से पहले कि गाइस हम सुबह जाएंगे साईं बाबा जी के मंदिर, और हम हो चुके हैं रेडी, बिल्कुल जींस शर्ट डाली है। और गाइस आज का जो व्यू है ना, मतलब आज का व्यू ऐसा कैप्चर करने लगा मतलब आज मेरे किसी व्लॉग में ऐसा व्यू नहीं है। आज गाइस माउंटेन्स, यहाँ से नज़र शायद नहीं आ रहे होंगे, साफ साफ माउंटेन क्लियर गाइस, बिल्कुल क्लियर है। क्लोजअप करके दिखाऊंगा, पूरा क्लोजअप कैनेक्स कर दूंगा पूरी जूम, जो मतलब नेर आ रहे हैं ना माउंटेन्स, वो ये देखो इतनी इतनी तेज हवा चल रही, देखो हमारे तुलसी माता कितनी जोर से चल रही, देखो बहुत तेज हवा चल रही गाइस। मतलब वेदर बहुत अच्छा हुआ काफ़ी दिनों से, इधर वेदर इतना मस्त हुआ है ना, नेक्स्ट लेवल वेदर। तो अभी आपको दिखाते हैं व्यू और करते हैं दिन की शुरुआत, फिर आज हमने बाहर भी जाना है, देखते हैं कैसा रहता, कहता नहीं आज का दिन, तो बने रहे हम लोग के साथ। देख लिया होगा माउंटेन व्यू उधर से आ रहा है, अरे भी इधर से तो नज़र नहीं आ रहा होगा, इधर से नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब जो व्यू था ना गाइस, आज ऐसा लगता है साक्षात माउंटेन जी ने अपने दर्शन दे दिए हैं, इतनी अच्छा व्यू गाइस। मतलब कैमरे में नहीं मैं आपको बता सकता जितना अच्छा, अगर आप यहाँ मेरे घर पे होते, इस बालकोनी में खड़े होते, आप देख रहे होते व्यू, आपको तो मन ही नहीं करना था अंदर जाने का, मेरा मन ही नहीं कर रहा अभी मैं अंदर जाऊँ, मेरा मन कर रहा है मैं व्यू को देखता रहूँ। क्या ही व्यू है गाइस, क्या ही व्यू है, पर हमको जाना पड़ना है क्योंकि हमको साईं बाबा जी के दर्शन करने भी जाने हैं ना गाइस, तो बने रहे हम लोग के साथ, चलते हैं, निकलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। अभी किसी ने कुछ ऐसा, आप बाहर देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मेरे को जूते गाड़ी के अंदर बैठ के डालने पड़ रहे हैं गाइस, वरना मैं बाहर भी डाल के आता, और इतने गीले होंगे ना पैर, एक तो मैं वैसे स्नीकर्स डालता हूँ, स्नीकर्स के साथ आपको पता है सॉक्स डालने की जरूरत नहीं होती, और मैंने सॉक्स डाली नहीं, और मेरे को क्या पता इतने पैर गीले हो जाएंगे कि मेरे को गीले गीले शूज डालने पड़ेंगे। अभी डालते हैं गाइस, घर जाके मिलते हैं, बहुत बारिश है गाइस, बहुत बारिश है, जो चंडीगढ़ में जीरोपुर में रहता है घर के अंदर हो, सेफ रहो, मेरे को लग रहा है अगर हफ्ता बारिश आ गई है तो बाढ़ आ जानी गाइस, चलो आप घर के अंदर रहो, सेफ रहो, चलो बाय बाय। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम आपके पास आ गए हैं वापस दोबारा, आपको एंटरटेन करने, आपसे बातें करने और अपना ब्लॉग बनाने। और गाइस मेन बात ये है कि जैसे आपको पता होगा कि कल से स्टार्ट है नवरात्रि, पर आपके पास मेरा ये वाला ब्लॉग तब पहुंचेगा जब नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी होंगी, मतलब कल ये ब्लॉग आ जाएगा, और आपको तब मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दूँगा, और आपको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, सब कुछ हमारी फैमिली की तरफ से आपको, और माता रानी का आशीर्वाद हम पर भी बना रहे और आप सब पर भी बना रहे गाइस।
और मेन बात बताते हैं, मेन बात यह है कि कुछ लोग क्या होता है घर पे बीजते हैं ना खेतरी माता, खेतरी माता बीजते हैं, खेतरी ले कहते हैं हम जा रहे हैं खेतरी लेने। सो अभी चलते हैं गैस और दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है कैसे नहीं, ठीक है गैस। तो बड़े रहें हम लोग के साथ और हो सके तो रात को हम खुद घर पे पिज्जा बनाए गैस खुद। आज मेरे मेरे पापा से बात चल रही थी तो मैंने कहा पापा पापा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने पापा को बोला मैं कब घर के पास ही है क्रूकस कैफे वहाँ पे चलते हैं। बोल रहे तेरे को इतना मतलब क्रूकस कैफे पे तूने पिज्जा खाना शर्म कर ले, घर पे पापा जी हैं पापा जी मानेंगे। मैं बस यही आ रही मतलब संडे संडे पापा के घर से पिज्जा कह रहे चुप पका रहे संडे संडे हर संडे पिज्जा खिलाता मेरे को यार। हाँ मंथ में एक बार पिज्जा का पकड़ से तो रात को जब पिज्जा बना लेंगे ना बस दिखाएंगे कैसा बनता कैसा नहीं, देखें हमारे पास क्या क्वालिटी है, क्या पता हम भी मतलब हम भी टोका कैसे बने। नहीं यार नहीं हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते बस, उनकी उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी क्वालिटी है, उनकी इतनी क्वालिटी मतलब हाइएस्ट पूरी टॉप टॉप क्लास क्वालिटी है हमारे घर के पास जो कैफे टोका कैफे इतनी मस्त क्वालिटी है। और हमने क्या करना घर में प्याज टमाटर पिज्जा लिए, पिज्जा बेस लिया प्याज टमाटर डाल दिए सारी मिर्च सब डाल दी थोड़ी चीज डाल के ऑन करके पिज्जा सुनने बने लगा है। क्वालिटी भी चाहिए क्वालिटी मतलब क्वालिटी तो हम भी रखेंगे, ये मैं समझना खाली का पिज्जा बनाएंगे क्वालिटी हम भी रखेंगे, बट होता ना गई उनके हाथ का जादू हमारे हाथ का हमारे जादू। सो ज्यादा बातें आगे ना करते हैं अभी निकलते हैं गाइस। फिर थोड़े थोड़े दो चार अंकल आए, दो चार आंटी आई, दो चार बच्चे आए, दो मतलब थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे करके ना आ रहे थे लोग, आ रहे आ रहे आ रहे इतने आगे इतने आगे एकदम से इतनी रश गाइस इतनी गैदरिंग होगी वहां पर शॉप, इतनी गैदरिंग मतलब जब मैंने कैमरा खोला ऐसे करा सभी आ रहे हैं और जितने लोग थे सभी ऐसे ऐसे कर रहे थे, और जब उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो उसी वक्त किसी ने धक्का मारा पीछे से मेरा फोन ऐसे गिर गया पूरा नीचे, जैसे अभी मैंने कैमरा लाया ना ऐसे मेरा फोन गिर गया नीचे स्क्रीन के बल। मैं डर गया, वो मेरा भाई साहब मेरा कैमरा गया, कैमरा चलो क्या फोन गया भाई साहब, इसके अंदर एक होता है चलो कैमरा होता है चलो कैमरा का नया लेंस लग जाता तो सब कुछ लग जाता, मेरे खुद ही ये क्या हो गया मेरा फोन गिर गया गाइस। अभी तो नया लिया था मैंने कहा वो भाई साहब अभी तो 2 महीने के लिए लिया को और इसका तो अभी कांड हो ना, मैं देखा फिर मैंने कहा कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं होगा कुछ, फिर मैंने कहा ऐसे करके मैं फिर ऐसे किया। सो गाइस अभी आ चुके हैं, मैंने ऐसे बोला मैंने कहा मतलब सो गाइस अभी आ चुके हैं माता रानी के समान लेने, तो अभी ये बताओ ये चीज किस चीज की आती है और ये क्या है मतलब कैसे, तो मैं बात कर ही रहा हूँ गाइस। उतने में क्या होता है उतने में पीछे से बच्चा आता है छोटा सा साहब करो इतना का बच्चा होगा धक्का लगाता है मेरे को कह रहा भैया साइड हो जाओ यार, उसके धक्का लगाने से ना मेरा फोन फिर से गिर जाता गाइस, और जब वो फोन गिरा अब की बार और मेरे को पापा से भी थोड़ी सी डांट पड़ गई थोड़ी सी मतलब ज्यादा थोड़ी सी, पता क्या बोला उन्होंने तेरा ब्लॉगिंग के चक्कर में ना बेटा तू कांड करवाएगा किस दिन इतना बड़ा वाला कांड कराएगा कि अभी तेरे को फोन 2 महीने पहले गिर, जैसे मैं बता रहा ऐसे बोला सिंपल से वैसे बोला पापा ने बेटा तेरे को अभी 2 महीने पहले फोन लेकर दिया, ये नहीं कि थोड़ी रद्दी भर की कदर कर ले, तुम लोगों को इसलिए हम कुछ नहीं करते तुम लोग कदर नहीं करते। मैंने कहा यार इसमें मेरी गलती, वो कभी कोई 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 पीछे भी धक्का मार रहा है कभी कुछ छोटा कुछ धक्का मार रहा है, मैंने उसके ऊपर ब्लॉग नहीं किया शॉप के अंदर, मैं बस गाइस मेरी बात सुनो 2 बार गिरने पर कार टूट गया, एक बार और गिरता तो डिस्प्ले का कांड आपको पता ही है फिर खल्लास हो जाता खल्लास डिस्प्ले खत्म। तो मैंने कहा यार मतलब क्या ही बताया, तो रुको ना गाइस अभी आपको डिस्प्ले का हाल दिखाते हैं क्या हाल हुआ डिस्प्ले का, मैं दूसरे कैमरे का सर्च करके अब दिखाता हूँ क्या हुआ डिस्प्ले का, डिस्प्ले का तो कुछ नहीं हुआ मतलब गार्ड का हाल क्या था गलती से मुंह से डिस्प्ले निकल गया, मतलब गार्ड का देखो क्या ही हाल होता है साइड से ऐसा लगा डिस्प्ले क्रैक, अभी दिखाता हूँ कैसे आप फोन के हाल देख सकते हैं, देखिए गार्ड के क्या हाल हो चुके ऐसा लग रहा है साइड से डिस्प्ले पूरी गई, और जब से फ़ोन गिरा तब से गार्ड में इतनी एयर आ चुकी ना गाइस इतनी एयर आ चुकी कि क्या ही बताएं। और मैं फ़ोन को जब व्लॉग करता हूँ ना कई बार मैं फ्लिप कर लेता हूँ ऐसे, जैसे मैंने ऐसे व्लॉग किया फिर ऐसे फ्लिप कर लिया फिर ऐसे किया फिर ऐसे फ्लिप कर लिया, और जब फ्लिप करने की बारी आई मैंने ऐसे करके ऐसे फ्लिप किया और सीधा गया नीचे, और पीछे से धक्का लगा पहले फिर फ़ोन गया नीचे, ओ भाई तू अपना गिर जाइयो गाइस। जैसे मैंने आपको कहा था हम बनाएंगे आज घर में पिज़्ज़ा, पापा बनाएंगे पापा को आता है बनाना, सो पिज़्ज़ा है रेडी
ये फुल चीज़ से लोडेड है, फुल सब्जियाँ वब्जियाँ सब डली हैं। प्लेट थोड़ी गंदी है क्योंकि अभी इसमें बना था, और जब अभी इसको बेक करना है, बेक करके आपको दिखाते हैं गाइस। अगर ये घर में पिज़्ज़ा बनना शुरू हो गया ना गाइस, मैं तो फिर टुरकास कैफे पर भी खाएंगे। टुरकास कैफे से ना बंद कर देना, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही है। ये तो घर में हम वैसे जब मान लो रात को कई बार मन करे तो पूरी देर रहता तो पिज़्ज़ा की शॉप खुली हो नहीं सकती, तो बस रात को बनाओ और खाओ, ऐश करो मौज करो। अभी बेक करके फिर आपको दिखाते हैं गाइस। अपना पिज़्ज़ा है रेडी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं शॉप से लेके आऊँ। सुबह अपने पिज़्ज़ा बना दिया है, सभी खाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं व्लॉग एंड के टाइम पे। एक बार फिर से कहूँ गाइस, बहुत यम्मी लग रहा है, बहुत यम्मी, फुल चीज़ वीज लोडेड, फुल वेजिटेबल लोडेड पिज़्ज़ा गाइस। बाद में मिलते हैं।